तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज मेरे हाथ में एक नई ढोलक है, और ये ढोलक जो है रेड शीशम वुड ढोलक है। और ऐसी ढोलक आजकल बहुत ज़्यादा चलन में है, इसमें नक्काशी भी की हुई है ताकि थोड़ा लगे कि हाँ नए ज़माने की ढोलक है। नक्काशी है, इसमें नट बोल्ट भी लगे हैं ताकि आप अपने घर पे ही इसको टाइट कर सकें। कभी भी आप बाहर से स्पेयर इसका मंगाएं और अपने से घर में चेंज कर सकें। और इस तरफ भी वही है, खूबसूरती के लिए रस्सी लगी हुई है। और जो लोग आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, किसी दूसरे कंट्री में रहते हैं, उनको ऐसी ही ढोलक लेनी चाहिए, मेरा अपना एक विचार है। ठीक है, क्योंकि ऐसे इजी टू यूज़ होती है ये ढोलक, आप इसको कभी भी अपने से सही कर सकते हैं। आप इसका साइज लेकर के इंडिया से आप इसका स्पेयर मंगा सकते हैं। देखिए, ये आप देखेंगे, ये टेलर लोग के पास जो होता है, इसके लिए आप स्केल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्केल से भी ये काम हो जाता है। तो क्या होता है, ये जो लकड़ी है, यहां से ये हमारा ये कुंडल होता है, इसको नहीं करना है। ये जो लकड़ी होती है, लकड़ी के पास से आप यहां पर ऐसे रखिए इसको, ये देखिए, और आप ऐसे फोटो लीजिए, हाथ को थोड़ा सा आप अंदर कर लीजिए और टॉप एंगल से ऊपर से आप फोटो लीजिए ऐसा हाथ रख के, ताकि इधर भी जजमेंट आ सके मुझे इस तरफ का, और इस तरफ से भी एग्जैक्ट जजमेंट आ सके कि कितना है ढोलक का साइज। तो आप देख रहे हैं, ये शायद आपको कैमरे में क्लियर दिख रहा होगा कि ये 6.5 इंच का ढोलक है, 6.5 इंच का, 6.5 इंच। तो 6.5 इंच का, या फोटो भी भेज देंगे इसका आप, और आप लिख भी दीजिए उसमें, तो आपको बराबर ये जो है रिकॉर्डिंग स्टाइल ढोलक का चमड़ा होता है, ये इसको कहते हैं रिकॉर्डिंग स्टाइल ढोलक का चमड़ा। चूंकि आप देखते हैं इसमें कुंडल होता है, और इसमें कुंडल जो ये होते हैं, ये बहुत अच्छा कुंडल है। आजकल क्या ढोलक में लोग बाग इतना मोटा कुंडल लगा देते हैं कि ढोलक खींचना मुश्किल हो जाता है। तो इतने मोटे ढोलक की, कुंडल की भी जरूरत नहीं होती है, हाथ में बजाने में भी तकलीफ होती है। ये जैसे ढोलक है, अब आपको मैं बता देता हूँ, ये ढोलक है, बहुत प्यारा और बहुत खूबसूरत ढोलक है ये। बहुत सारे आप मेरे वीडियो में आप देखते हैं कि इस ढोलक का मैं इस्तेमाल करता हूँ, बहुत पसंद है मुझे ये ढोलक। इसका टोन भी बहुत प्यारा टोन आता है इसका, लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि इसका कुंडल जरूरत से ज्यादा मोटा है। तो ये क्या होता है कि जैसे मैं इस ढोलक को, अभी ये एफ शार्प के आसपास है, और मैं इसको चाहता हूं कि ये जी शार्प में चली जाए। साइज तो इसका भी 6.5 का ही है, लेकिन ये 6.5 में जी शार्प में जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये देखिए, आप देखेंगे मैं इसको पूरा ये देखिए खींच रहा हूं, लेकिन ये जगह से अपने हिल नहीं रही। तो अगर ये, तो मैं तो प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूं, फिर भी इसको हाथ रख के, पैर रख के, ऐसे करके मैं इसको कैसे भी करके खींच लूंगा, लेकिन आप लोग इसको नहीं खींच पाएंगे। आप पैर भी रखेंगे, दबाएंगे भी दो आदमी से, तो भी आप इसको नहीं खींच पाएंगे, क्योंकि ये मोटा है, और मोटा होने की वजह से मजबूती तो इसमें होती है, लेकिन इतनी मजबूती भी किस काम की, जान ले ले। तो ये आपसे खींचने वाली नहीं है, और अगर आप आउट ऑफ इंडिया हैं तो आप बिल्कुल घर में इस काम को नहीं कर सकते कि आप रस्सी को खींच लें या इसको आप बदल लें। तो इसलिए आपके लिए बहुत अच्छी ढोलक होती है ये। और इसका खूबसूरत डिजाइन देखिए, बहुत प्यारा लग रहा है। मैंने पहले आपको बोला कि रेड शीशम ढोलक है ये। अगर आपको ऐसी ही ढोलक चाहिए तो वीडियो में मेरा नंबर है, मुझसे आप संपर्क करिए। लेकिन ये प्रोफेशनल ढोलक है, अगर आपका बजट प्रोफेशनल ढोलक के लायक नहीं है तो प्लीज कृपा करके मुझे फोन ना करें, क्षमा करिएगा। क्यों ना करें, क्योंकि आपका बजट कम है। प्रोफेशनल ढोलक, कोई भी प्रोफेशनल ढोलक 5,000 के ऊपर ही आएगा। इसके नीचे अगर आप लेने जा रहे हैं तो या वो शीशम नहीं है या वो ढोलक ही अच्छा नहीं है, सिर्फ वो जो है काम चलाऊ सरकार है। तो आपको काम चलाऊ सरकार लेना है कि अच्छी सरकार बनाना है? अगर अच्छी सरकार बनाना है तो 5 साल टिकेगी और 5,000 के ऊपर आएगी, दोनों बातें हैं, 5,000 और 5 साल, दोनों बातें हैं। तो देखिए, ये ढोलक जो है, ये भी शीशम ढोलक है, और बहुत वेट है इस ढोलक का, काफी भारी ढोलक है ये, और ये प्रोफेशनल ढोलक है। ये आपकी 4 पीढ़ी खत्म हो जाएंगी, लेकिन ये ढोलक खत्म होने वाला नहीं है, ये ढोलक वैसे ही रहेगा, तो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी रहेगा ये ढोलक। अब ये जो है, ये भी ढोलक भारी है, शीशम एक्चुअली थोड़ा भारी होता है,
और बहुत प्यारा और बहुत सुंदर ढोलक है। इसका टोन देखिए, देखिए ये जो है जी शार्प पे मिलाया मैंने इसको, बहुत ही प्यारा टोन है, प्रोफेशनल टोन जो होता है ढोलक का। बाया देखिए, इसका आंस होता है, बस यही एक प्रोफेशनल ढोलक में और शौकिया ढोलक में अंतर होती है। प्यारा टोन आता है,